नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। दोस्तों, मेरा नाम है कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राज्य विधानमंडल अर्थात द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। तो ये वीडियो एक परिचय मात्र होगा, इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वह विधानसभा और विधान परिषद का अलग अलग वीडियो बनेगा। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ने से पहले एक बार एक राज्य विधानमंडल का एक ओवरव्यू लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, आर्टिकल नंबर 168 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, विधानमंडल होगा। यह कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है, यह 168 करता है। जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों, याद रखिएगा, कुछ राज्यों में दो सदनों एवं अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर के बनेगा, यही है आर्टिकल नंबर 168। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, विधानमंडल जो है दोस्तों, विधानमंडल जो है वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों में बनेगा विधानसभा से। विधानसभा पहला जो सदन है वो विधानसभा है और दूसरा जो है वो है विधान परिषद। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद और एक है आपके राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल। तो पहला जो स्टेटमेंट बोला है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से मिलकर के विधानमंडल को कंप्लीट माना जाएगा। अर्थात जो विधानमंडल है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वो तभी कंप्लीट मानी जाएंगी जब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों एक साथ मिलेंगे उस सिचुएशन में। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, उन राज्यों में विधानमंडल कैसे कंप्लीट माना जाता है दोस्तों, तो देखिएगा, एक सदन वहां का है विधानसभा और दूसरा तो विधान परिषद है नहीं, तो वहां पर राज्यपाल, यानी राज्यपाल के मिलने से उस राज्य में विधानमंडल माना जाएगा, है ना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से मिलकर के बनेगा और अन्य राज्यों में जहां विधान परिषद नहीं है वहां पर एक सदन से मिलकर के बनेगा, ठीक है ना। यानी जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधानमंडल तब कंप्लीट माना जाएगा जब विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल मिलेंगे, तो उस सिचुएशन में विधानमंडल कंप्लीट माना जाएगा। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानमंडल कैसे कंप्लीट माना जाएगा, विधानसभा और राज्यपाल के मिलने से क्या होगा, विधानमंडल बनेगा, यानी विधानमंडल का गठन होगा यानी निर्माण होगा। बात समझ गया ना। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 168। अब इस आर्टिकल के तहत एक बात और याद रखिएगा, जो विधान परिषद है दोस्तों, टोटल वर्तमान बात किया जाए तो 6 राज्यों में है, लेकिन इसके पहले 7 राज्यों में था। 7 राज्यों को रटने का जो तरीका है वो क्या है, ताज कुंभ, है ना, ताज कुंभ के माध्यम से आप रट सकते हो। पहला है तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य में अपना खुद का एक क्या है, विधान परिषद है। दूसरा ए है, ए से पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी अपना खुद का एक विधान परिषद है। अगला है जे, जे का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो विधान परिषद था वह अब पहले था लेकिन अब वर्तमान में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने से यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य का जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से विधान परिषद हट गया है। और के का मतलब है दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में। और यू का मतलब है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और एम का मतलब है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का भी अपना एक विधान परिषद है। और बी का मतलब है दोस्तों बिहार। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में कितने राज्यों में अपना खुद का विधान परिषद है, तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। बाकी जो जम्मू कश्मीर राज्य में था इसको समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। इन 6 राज्यों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है उन राज्यों को बोला जाता है द्विसदनीय, इनको बोला जाता है दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है, विधान मंडल वाला राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा राज्य जहां पर दो सदन है, अर्थात एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, अर्थात इन 6 राज्यों में अपना विधानसभा है और एक विधान परिषद है, ठीक है ना। तो द्विसदनीय विधान मंडल कहा जाता है, और वे राज्य जिनको द्विसदनीय विधान मंडल कहा जाता है उनको बाइकैमरल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है,
बाइकेमरल, याद रखिएगा बाइकेमरल स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। यानी द्विसदनी विधानमंडल वाले राज्यों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो बाइकेमरल स्टेट के नाम से पुकारा जाता है। बताइए बात क्लियर है, समझ गए आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और फैक्ट की बात करते हैं। जैसे विधानसभा है और ये विधान परिषद है, दोस्तों अगर विधानसभा की बात किया जाए तो यह प्रथम सदन होता है, निम्न सदन कहा जाता है, प्रथम सदन, निम्न सदन और जनता का सदन कहा जाता है। वैसे ही है जैसे लोकसभा होता है, संसद के लिए संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, जैसे लोकसभा होता है वैसे विधानसभा होता है, प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, जनता का सदन होता है, ठीक है ना। और जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद यह द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। द्वितीय सदन उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, बात समझ गए। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, बात समझ गए। विधानसभा के पास जो है शक्तियां ज्यादा होती है विधान परिषद की तुलना में, ठीक। विधानसभा एक अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है 5 वर्ष के पहले भी, और वैसे 5 वर्ष के पूर्ण होने पर भी यह स्वतः भंग हो जाता है, लेकिन यह एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन होने के नाते यह भंग नहीं होता, भंग नहीं होता है, ठीक है ना। इसका विघटन नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, विधान परिषद को, दोस्तों विधान परिषद को ध्यान देने योग्य बात यह है कि समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, लेकिन कभी विघटित नहीं होता है, विघटित विघटित नहीं होता, याद रहेगा। यानी विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसका विघटन नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया होगा, आर्टिकल नंबर 168, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 169 को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये, ठीक है ना। यानी विधानमंडल से संबंधित एक आर्टिकल है 169, ये क्या बोलता है। इसके अनुसार कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना अथवा उन्मूलन का जो अधिकार है किसके पास है, संसद के पास है। अर्थात किसी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन करना है, यानी उसकी स्थापना करना है, अथवा किसी राज्य के विधान परिषद को हटाना है, तो इन सबको करने का जो अधिकार है किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा कैसे संसद जो है किसी भी विधान परिषद को स्थापित करती है अथवा उसका उन्मूलन करती है यानी हटाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, यानी 100 आर्टिकल नंबर 69 क्या करता है, गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है, किसके गठन के बारे में, विधान परिषद के गठन के बारे में, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी राज्य के लिए विधान परिषद का गठन करना है, तो उसके लिए कैसे प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना होता है उस राज्य में सबसे पहले जो विधानसभा होती है वह एक विधेयक पारित करती है, और विधान परिषद के गठन से संबंधित एक विधेयक को पारित करती है, और वह पारित करने का मतलब यह हुआ कि 2/3 बहुमत से पास करती है, ठीक है ना, उस राज्य की विधानसभा जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है। तो जब वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह संसद में भेजा जाता है, और संसद में जाने के बाद यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों, अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वह जाता है राष्ट्रपति के पास साइन के लिए। अब राष्ट्रपति यदि उससे साइन करते हैं और साइन करने के बाद भारत का जो राजपत्र है उसमें यदि प्रकाशित होकर दिया जाए तो उसी दिन से समझा जाता है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो गया है, ठीक है ना। उसी दिन से मान लिया जाता है कि हाँ आज से इस राज्य में विधान परिषद आ गया है, बात समझ गए ना। वही कहा था आर्टिकल नंबर 169, यानी राज्यों में विधान परिषद की स्थापना अथवा उन्मूलन अर्थात समाप्त करने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई राज्य है इस राज्य को क्या करना है, अपना विधान परिषद एक स्थापना करवाना है, तो जब इस राज्य को स्थापना करवाना होगा तो सबसे पहले इस राज्य की जो विधानसभा होगी, इस राज्य की जो विधानसभा होगी वह क्या करेगी, विधेयक को, यानी जो विधेयक इससे संबंधित होगा, कैसा विधेयक, विधान परिषद के स्थापना से, विधान परिषद के लिए जो विधेयक होगा, यदि इस विधेयक को विधानसभा 2/3 बहुमत का मतलब होता है विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत से
यदि प्रस्ताव क्या हो, प्रस्ताव क्या हो दोस्तों, प्रस्ताव यदि पास हो जाए, ठीक है ना, तो पास होने के बाद ये विधेयक कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा। अब संसद क्या कर दे दोस्तों, संसद क्या कर दे, इसी पास वाले विधेयक अर्थात जो विधेयक विधानसभा ने भेजा है पास करके संसद के पास, तो ये संसद क्या कर दे, यदि साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से विधेयक पास करे, विधेयक क्या कर दे दोस्तों, पास कर दे, तो पास होने के बाद ये जाएगा कहां पर, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर क्या करना है, साइन करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, संसद साधारण बहुमत से विधेयक पास करे और पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास चला जाए और राष्ट्रपति भी साइन करना, और साइन करने के बाद भारत के, भारत के राजपत्र में, राजपत्र में प्रकाशन, प्रकाशन के बाद दोस्तों, प्रकाशन के बाद जो है क्या होगा, उस राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, उस राज्य में यानी उस राज्य में विधान परिषद का गठन माना जाएगा, है ना, माना जाएगा, यानी इतनी सारी प्रक्रिया है विधान परिषद के गठन के लिए। यही प्रावधान जैसा प्रावधान स्थापना के लिए है, सेम प्रावधान उन्मूलन के लिए है, यानी किसी राज्य के विधान परिषद को हटाना हो तो हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया है कि उस राज्य की विधानसभा विधान परिषद के हटाने के लिए एक विधेयक पेश करेगा विधानसभा में और वह 2/3 बहुमत से यदि पास कर देगा तो संसद के पास जाएगा और संसद क्या करे, साधारण बहुमत से उसे प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति साइन कर दे, तो साइन करने के बाद फिर जो है भारत के राजपत्र में प्रकाशन के बाद समझा जाएगा कि इस राज्य का विधान परिषद समाप्त हो गया है। बात समझ गए ना, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 169 जो कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना अथवा उन्मूलन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। बात समझ गया ना, ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो विधानसभा है और विधान परिषद है इसमें कितनी कितनी सीटें हो सकती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये है विधानमंडल, ठीक है, ये है विधानमंडल, और विधानमंडल के कितने अंग हैं, वैसे तो 3 अंग हैं लेकिन हम लोग को यहाँ समझना है विधानसभा के बारे में, विधानसभा, और समझना है दोस्तों विधान परिषद, विधान परिषद के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो विधानसभा है इसमें एक अनुच्छेद है यानी एक आर्टिकल है 170 और इसमें एक अनुच्छेद है, नाम है आर्टिकल 171, ठीक है ना, यानी आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा के संरचना के बारे में दिया हुआ है, वैसे ही आर्टिकल 171 में विधान परिषद के संरचना के बारे में दिया हुआ है। और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि विधानसभा में जो अधिकतम सीट होगा, जो मैक्सिमम सीट होगा, है ना, मैक्सिमम सीट का मतलब जो अधिकतम जो सीट होगा वो कितना होगा, 500 से ज्यादा नहीं होगा, यानी किसी राज्य के विधानसभा में, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं, यही मैक्सिमम सीट है, 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर वर्तमान में बात किया जाए, सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है अपना उत्तर प्रदेश वाला है, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 403+1 है, ठीक, तो जो मैक्सिमम सीट है कितना हो सकता है, 500, और जो मिनिमम सीट है दोस्तों, जो मिनिमम सीट है यानी जो न्यूनतम सीट होती है विधानसभा में वो कितनी होती है, वो 60 से कम नहीं हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, यानी आर्टिकल नंबर 170 के अनुसार जो राज्य का विधानसभा है, जो राज्यों का विधानसभा होता है उसमें अधिकतम सीट 500 हो सकता है और जो न्यूनतम सीट है वो 60 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, अपवाद का मतलब 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सीटें जो है 60 से कम है, जैसे मिजोरम है दोस्तों, मिजोरम है तो यहाँ पर जो विधानसभा में सीटें हैं वो 40 हैं, ऐसे ही गोवा है तो गोवा में भी जो विधानसभा में सीट है वो 40 है, और एक राज्य आपका सिक्किम है, सिक्किम है तो सिक्किम में दोस्तों जो विधानसभा में सीट है वो 32 है, और एक पांडिचेरी है, एक पांडिचेरी यानी पुदुचेरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, 30 है। तो देखिए जरा, जैसा कि आर्टिकल नंबर 170 बोला है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा नहीं हो सकता है और न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर, 4 राज्य का मतलब 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर सीटों की संख्या 60 से कम है, और ये पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे छोटी विधानसभा है, यहाँ की सबसे छोटी विधानसभा है, विधानसभा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो पांडिचेरी का है,
यही आर्टिकल नंबर 170 कहता है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 171 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 171 भी विधान परिषद के संरचना के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। इसके अनुसार ये कहा गया है कि जो अधिकतम सीट होगा, यानी किसी राज्य के विधान परिषद में जो अधिकतम सीट होगा, यानी अधिकतम जो सदस्य होंगे, वह उस राज्य के विधानसभा, है ना, उस राज्य के विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं किसी भी राज्य के विधान परिषद में, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये अधिकतम सीट है। और अगर न्यूनतम की बात किया जाए, न्यूनतम सीट की बात किया जाए कि न्यूनतम कितना हो सकता है दोस्तों, तो न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम जो होता है वो 40 सीट से कम नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी दशा में किसी भी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य किसी भी राज्य के लिए 40 से कम नहीं हो सकते हैं। ये बात क्लियर है, समझ गए आप, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ आर्टिकल नंबर 171 ये कहता है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है किसी भी कंडीशन में, और जो न्यूनतम सीट होगी वो 40 से कम नहीं हो सकती है। बात समझ गए ना, डन है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आर्टिकल नंबर 170 है और आर्टिकल नंबर जो 171 है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी बात पे थोड़ी सी बात और जान लीजिए, जो विधानसभा होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, यहाँ पर एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा था। अब हम लोग बाकायदा नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे फिर विधान परिषद पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे।